जब मैं यहाँ से गया मुझे 103 104 बुखार हो गया था, तो मेरे समझ में अगले दिन मुझे ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ी। रेस्ट लिया, बुखार उतारा, मतलब फास्टिंग करी तो पूरा दिन तो बुखार उतर गया, तो उसके दिन मैं ऑफिस जाना चालू किया। मैंने डेली वन गो में ही सेल्फ हीलिंग करी है, 21 दिन पूरे दिन करी है। 3 बार मुझे सीवियर कोल्ड एंड कफ रहा, रनिंग नोज, जो 2 से 3 दिन तक रहा मेरे को। तो जैसे आपने कहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होगा, तो ये अच्छे से हुआ है मेरा इन 21 दिनों में। जो एक बड़ा चेंज मैंने अपने अंदर देखा है कि जब मैं मेडिटेशन के सुबह जब बैठता था तो ध्यान नहीं लगता था, इससे पहले विचार बहुत आते थे, मैं ध्यान लगा था लिंग भैरवी के ऊपर, बट जो मैं पिक्चर इमेजिन करना चाहता था मेरे सामने आए वो नहीं आती थी, जो माँ दुर्गा मुझे दिखनी चाहिए, इतने हाथ में ये शस्त्र हैं ये सब है, वो नहीं दिखती थी, और बहुत मुश्किल, मतलब बहुत एफर्ट लगाना पड़ता था। अब मैं जब ध्यान लगाता हूँ तो मुझे ईजिली लिंग भैरवी माँ दुर्गा दिखाई देती है। तो मेडिटेशन में, ध्यान में मुझे लगता है वो थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे पहले से बेटर मिला है। आपको कैसा फील हुआ 21 डेज? और वो क्या होता है, पता है बहुत सारे इशू होते हैं माइंड, बहुत विचार आते हैं, मैं इधर उधर भटकता बहुत है। कुछ एक सबसे बड़ी जो चीज आती है कि जो आप सरेंडर नहीं कर पाते ना, उस वजह से ब्लॉकेज होती है। समर्पण की तो डेफिनेशन ही इतनी बड़ी है। एक बार एक दुर्गा का काली का भक्त होता है, तो वो उसकी पूजा करता है, जो चाहते हैं वो अचीव होता है। तो एक बार वो अपने गुरु से पूछते हैं कि अब तो मैं इस लेवल पे आ गया कि अब तो कुछ नहीं मेरा, तो उन्होंने बोला कि अब काली को भी मारना है और उससे आगे जाना है। तो कहते नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो वो माइंड का ब्लॉक है कि काली क्या तुम्हारे ऐसे करने से कट सकती है? नहीं ना। सो समर्पण की, जब गुरु की हर चीज मान के वो सब किया है, तो जब हम कुछ भी किसी मोडालिटी में होते हैं सालों तक उसको प्रैक्टिस करते हैं, हमें लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन जब तक वो थॉट आज इतने सालों के बाद भी आई एम स्टिल लर्निंग, कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल जाता है। और कहाँ से मिल जाता है, यू वोंट इमेजिन, आप लोगों में से ही कुछ सीखने को मिल जाता है। सो ऑलवेज बी एम्प्टी कप व्हेनेवर यू आर गोइंग। आई एम ऑलवेज एम्प्टी, स्टिल आई फील आई एम एम्प्टी। वो जो क्लींजिंग है ना, वो उस एनर्जी लेवल को डाउन करके वो क्लींजिंग हुई है। और जब समर्पण कम्प्लीटली हो गया है तो शी इज देयर। आप किसी भी इष्ट को पूजा कर लो, जब समर्पण कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि रेकी से ये हो सकता है मैं इसको उसमें डाल दूं। नहीं, एक मोडालिटी जिसपे जब आप एनर्जीज के साथ काम करते हो, ना आप मंत्रा पे हो, ना आप किसी उसमें शक्ति से काम कर रहे हो, ना किसी जैसे हम रिचुअल के ऊपर या उपाय से कर रहे हो, रेकी में तो निराकार वाली चीज हो गई ना, कि आप बस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों लॉजिक से क्यों होगा, इससे होगा, बहुत कुछ हमारे माइंड में रहता है, ये करके क्या सब हो जाएगा, सबके माइंड में आता है, मेरे भी माइंड में आया था जब मैंने कहा ये इससे क्या इतनी सब चीजें राइट। पर देखो, लुक एट द मैजिक, लुक एट दिस पावर। सो जब हम एनर्जी से काम करते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सो सुमित के एनर्जी लेवल पे इतना बड़ा चेंज है जो आई कैन सी इज होता है। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। So for me it's like it was a lot of emotional cleansing for me, because बहुत सारी memories आई and they got cleaned up, and there was a very big emotional block in me, like मुझे लगता था जो the thing that I want most in the life that it, you know, नहीं हो रहा है, somehow it also happened day before yesterday, and that was a huge, मतलब आप एक ब्लॉक पे अटके रहते हो और आप कहते हैं ये नहीं हो रहा है, एंड देन सडनली इट हैपेंड, एंड इट वाज लाइक आई वाज लाइक लिटरली वेरी हैप्पी एंड आई क्राइड सो मच, बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं 2 दिन से हंसे जा रही हूँ पागलों की तरह।
सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम लाइक कि कुछ भी ऐसा नहीं है बट आई एम रियली रियली हैप्पी. मतलब इट्स वेरी जॉयफुल. लाइफ में हर चीज टेम्परेरी है. आपकी कोई भी डिजायर है उस वो तब तक ही वैल्यूएबल है जब तक वो फुलफिल नहीं हुई है. वो मिलने के बाद इट्स जीरो. सो एंजॉय द प्रोसेस दैट यू वैल्यू समथिंग. इवन एंजॉय दैट इवन इफ इट्स गिविंग यू पेन. यू नो दैट पेन इज ऑल्सो एंजॉयबल. वो पेन नहीं रहेगा तो खाली है, खोखला हो जाएगा. So enjoy that pain. Whatever is there, which you wish for, मिलने तक ही उसकी value है. मिलने के बाद वो zero है. So किसी चीज के लिए आप शिद्दत से बहुत ज्यादा effort डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, but उसको वो purity भी कहीं नहीं आती. जब suppose मैंने किसी एक चीज पे खुद को hook कर लिया तो वो hook करना भी उस journey का part है. जब तक वो पेन नहीं मिलेगा वहां पर एक चीज पे फोकस करना ही नहीं आएगा. तो जब एक चीज पे फोकस करना आ गया तो सुप्रीम पावर पे फोकस करने की वो रिहर्सल है. ठीक है.